हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं टीफेन गुरु और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहां पे एंट्री कर सकता है। तो क्रूड ऑयल लास्ट फ्यू डेज अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी एक रेजिस्टेंस लाइन का आसपास नीचे में है। तो मुझे लगता है अगर ये रेजिस्टेंस लाइन जब तक ब्रेकआउट नहीं करता तो हम बाय में जाना थोड़ा रिस्क हो सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक रेंज दे दिया है। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो इस रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं मार्केट एक 15 मिनट में एक रेंज में चल रहा है, राइट। ये हो गया रेंज आपका आज, राइट। तो अभी नीचे आ गया और इसका आप देख सकते हैं ये सपोर्टिंग लाइन, सपोर्टिंग लाइन का नीचे हम कभी सेल नहीं कर सकता। अगर इसको सेल करेंगे तो मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने का चांसेस है, राइट। तो और रेजिस्टेंस का आसपास जब मिलेगा हम तब बाय नहीं करेंगे, यहाँ से फिर से सेल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से फिर से मार्केट नीचे आ सकता है। तो इसीलिए आपको अगर यहाँ पे बाय लेना है तो ये जो लोअर पॉइंट है और मूविंग एवरेज 200 का नीचे में आप SL लगा सकते हैं, और टारगेट जो रेंज का आसपास अराउंड 4350 का आसपास लगा सकते हैं, राइट। तो अगर मार्केट यहाँ तक आ गया ऊपर जैसे 4351, तो यहाँ से फिर से सेल कर सकते हैं हम और SL इसका थोड़ा ऊपर लगा सकते हैं, राइट, 10 to 15 पॉइंट का। So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe. Thanks for watching.